नववर्षाच्या आगमनाची सर्वांना उत्सुकता आहे, त्यासाठी नेमकं नागपूर पोलिसांच्या काय गाईडलाईन आहे ते आधी बघून घ्या. येत्या 31 डिसेंबरला तुम्ही पहाटे 5 वाजेपर्यंत पार्टी करू शकता, पण नियमात राहून. यावर माहिती दिली आहे नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी. पोलीस आयुक्त नेमकं काय सांगत आहे ते जरा समजून घ्या. कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को सुबह 5 बजे तक हम नहीं बंद करवाने वाले हैं. सुबह 5 बजे तक ईटिंग हाउसेज भी हों या लिकर परमिट रूम्स भी हों, सभी चालू रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसकी परिणाम किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम पे नहीं हो. सर, 35 करोड़ के आसपास का बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हमारी ये प्रयत्न, जब से ये वन स्टेट वन ई चालान की मुहिम राज्य में शुरू हुई है, हमारी ये प्रयत्न रहती है कि मिनिमम कन्फ्लिक्ट सिचुएशन ऑन द स्ट्रीट्स हो. कहने का मतलब कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को रोकते हैं तो वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो या फिर अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं. इसलिए हम एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग पे जब से गए हैं तो हम रिमोट चालानिंग भी करते हैं. रिमोट चालानिंग मतलब चाहे तो हम सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करके चालान जनरेट करते हैं या फिर हम डिवाइस पे फोटोग्राफ खींच के, अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करके जा रहा है तो उसकी फ़ोटो खींच के उसकी नंबर करके हम रिमोटली भी चालान जनरेट करते हैं. इसलिए जो पहले जो स्थिति थी कि आप वायलेटर को वहाँ रोकते थे और वहीं पे आप पकड़ते थे और वहीं पे आप उससे चालान वसूल करते थे, अब चूंकि रिमोट चालानिंग शुरू हुआ है इसलिए अनपेड चालान की संख्या ज़्यादा होती है लोगों को. लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये चालान रहते हैं. जब किसी गाड़ी पे चालान हो गई तो वो किसी भी परिस्थिति में वो चालान गायब नहीं हो सकता. वो चालान उनको कभी ना कभी पेमेंट तो उस गाड़ी वाले को करना ही है. बीच बीच में हम मुहिम लेते रहते हैं, पेड अनपेड चालान की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हम समय समय पे इस प्रकार की मुहिम लेकर के हम कार्रवाई करते हैं.